वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू माय चैनल। ऑलरेडी हमने सब फिनिश किया है चैप्टर 4 वैल्यूएशन ऑफ शेल। फिर भी आपकी डिमांड आई कि मिस अनसॉल्वड प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो अगर आपने देखा रहेगा तो अनसॉल्वड का प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 3 आर द सिमिलर विद प्रॉब्लम नंबर 8 एंड 9, तो वो आप खुद कर सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम नंबर 2 वो भी इजी है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन दिया है उसका फॉर्मेशन अलग दिया है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो शायद डिफिकल्ट है, तो वो हम आज ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। हमेशा हम लोग क्वेश्चन कैसे देते, बैलेंस शीट देते और फिर एडजस्टमेंट देते, यहाँ पे सभी उन्होंने ऐसे सेंटेंस फॉर्म में दिया है, तो आपको ऐसे लगता है कि शायद ये डिफिकल्ट है, बट ऑफकोर्स नॉट, ये बहुत ईजी है। सिर्फ उन्होंने जो बैलेंस शीट देते हैं वो इन अ फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट नहीं दिया है, इन अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस दिया है। तो सबसे पहले ना हम एक काम करते, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना वो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं हमारे बैलेंस शीट में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, उन्होंने शेयर कैपिटल दिया है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी मतलब ही एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, तो वो भी दिया है, मतलब बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये उन्होंने दिया है, जनरल रिजर्व दिया है उन्होंने, ठीक है। लास्ट में उन्होंने दिया है आउट ऑफ टोटल एसेट 350 इज फिक्टिशियस। तो ये जो ए बी सी एंड जी, ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको हम हमारे बैलेंस शीट में कन्वर्ट करते, मतलब हम हमारा क्वेश्चन बनाते। तो देखो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया, गॉट इट। सो 450 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज के, तो वो हो गए 45,000। 4,500 इक्विटी शेयर है 10 रुपीज के, वो हो गए 45,000। जनरल रिजर्व दिया है 3,500। देन थर्ड पार्टी दिया है, मतलब ही एक्सटर्नल लायबिलिटी 7,500। तो ये सब इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, ठीक है, तो उसकी टोटल आती है 1,01,000 इस साइड की, गॉट इट। अब उन्होंने असेट के बारे में देखो, लास्ट में दिया है आउट ऑफ टोटल असेट 350 इज अ फिक्टिशियस, तो 350 फिक्टिशियस, तो बाकी के असेट हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, हमें फॉर्मूला हमने 11-12 से सीखा है, ठीक है। क्या है कि असेट और लायबिलिटी की टोटल सिमिलर होती है, तो असेट माइनस लायबिलिटी या लायबिलिटी माइनस असेट, तो लायबिलिटी की टोटल तो हमें पता है कितनी है, लायबिलिटी की टोटल 1,01,000 है ना, 1,01,000। इसमें से लायबिलिटी की टोटल पता है 350, हमको असेट की भी टोटल पता है 350, तो जो बचेगा वो हमारा क्या आएगा, ऑफ कोर्स वो हमारा असेट आएगा। तो हमारा असेट कितना आया है 1,06,50। कैसे आया है आपको पता चला, कि असेट माइनस लायबिलिटी या लायबिलिटी माइनस असेट, कोई भी एक साइड की टोटल अगर हमें पता चली तो माइनस ये करो 350, तो जो बचा है वो असेट। तो अभी दोनों की टोटल देखो बराबर 1,01,000 ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट, मतलब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया और बची हुई एडजस्टमेंट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देते तो आपको लगता है इजी है, सिर्फ उन्होंने ये सब कुछ सेंटेंस फॉर्म में दिया है इसलिए आपको थोड़ा सा वो अलग लगा। सो अब क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डिफिकल्ट है, एवरीथिंग इज गिवन, द एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, डायरेक्टली उन्होंने आंसर ही दिया एवरेज प्रॉफिट। हमेशा हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते, जितने साल का दिया है 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 3, 4 इयर्स का ईयर दिया है तो डिवाइडेड बाय 4, बट यहाँ पे लक के लिए उन्होंने डायरेक्ट आंसर ही दिया है कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 8,500। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है उन्होंने इन्फॉर्मेशन 9%, उसके बाद 10% आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व, तो जो भी हमारे 8,500 एवरेज है उसमें से 10% मतलब 850 आता है, तो माइनस करेंगे तो वो हमें मिलेगा मेंटेनेबल प्रॉफिट या फ्यूचर प्रॉफिट। बस हो गई, सब तो इन्फॉर्मेशन दी है, हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट स्टार्ट विद द नेट एसेट वैल्यू। तो असेट माइनस थर्ड लायबिलिटी, देखो असेट माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटी मतलब ये एक्सटर्नल, इसमें बिल्स पेबल भी हो सकता है, क्रेडिटर्स भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो असेट माइनस लायबिलिटी, तो हमारा नेट असेट कितना हुआ 93,150। अब एक बार नेट असेट वैल्यू मिला तो हमें अब क्या निकालना है, उसमें से कैपिटल कितना अवेलेबल फंड है इक्विटी शेयर के लिए। तो देखो ये तो हमारा नेट एसेट आ गया, एसेट माइनस लायबिलिटी, उसमें से अभी इस पे पूरा हक हमारा इक्विटी वालों का नहीं है, उसमें प्रेफरेंस शेयर वाले भी है, तो आपको पता है ये 45,000 माइनस करने हैं, प्लस डिविडेंड भी 8%, 45 का 8% डिविडेंड देखो कितना आता है 3,600, तो ये दोनों पहले माइनस करो तो हमें मिलता है 44,550। अब ये फंड किसका है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का है,
हूँ कि 93,150 ये नेट एसेट इस पे सबका हक था, प्रेफरेंस शेयर वालों का भी, इक्विटी वालों का भी, बट लेकिन सिर्फ हमें क्या करना है, फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर। तो इसके लिए पहले हम इनका हमने माइनस कर दिया, 3,600 कैसे आया, 45,000 का 8%, तो ये माइनस किया। सो अब एक्चुअल फंड अवेलेबल कितना है इक्विटी रियल ओनर को, 44,550। तो बस हो गया, अब मिल गया हमें, अब एक्चुअल कैपिटल हमें मिल गया है अपॉन नंबर ऑफ शेयर। इक्विटी शेयर कितना दिया है, देखो बैलेंस शीट में 4,500 दिया है, क्वेश्चन में भी दिया है। तो हमारा नेट एसेट बेसिस पे इक्विटी की वैल्यू आती है 9.9। अंडरस्टूड। अब दूसरी मेथड यील्ड मेथड। यील्ड मेथड में हम फ्यूचर प्रॉफिट ऑलरेडी उन्होंने हमको दिया है, एवरेज प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन रेडीमेड दिया है, उसमें से उन्होंने क्या कहा है, देखो डायरेक्टली ऑलरेडी रेडीमेड दिया है, ठीक है, तो डायरेक्टली लो। उसमें से भी उन्होंने क्या कहा है कि आप 10% पहले क्या ट्रांसफर करो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो, तो हमने 10% ट्रांसफर किया, तो हमारा फ्यूचर प्रॉफिट या मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आया, 7,650। अब सिंपल है, अब अगर मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है तो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा, तो उसके लिए मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता होना चाहिए। तो इन्होंने दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 9%। सी इन द सेम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट कितना होता है, 9%। सो आप ये फॉर्मूले में तुम इंक्लूड करो, सो सी हियर फॉर्मूला 9%, सो 85,000 कैपिटल, गॉट इट। तो 7,650 मुझे ये मेंटेन करना है अगर प्रॉफिट, और रेट ऑफ रिटर्न 9% है, तो मुझे 85,000 कैपिटल क्या करना होगा, इन्वेस्ट। अंडरस्टूड। चलो अब कैपिटल मिल गया, अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो 4,500 है। सो इस मेथड से अगर हम करते कैलकुलेट तो हमें मिलता है 18.88, ठीक है। नेट एसेट से किया तो कितना मिला, 9.9, और इस मेथड से किया तो कितना मिला, 18.88। तो कौन सा लेंगे, तो सिंपल, नो फाइटिंग, हमें इनका एवरेज करना है। तो करो 9.9 प्लस 18.8 डिवाइडेड बाय 2, सो इट कम्स 14। तो फेयर वैल्यू कितनी होगी, 14.35। सी ऑल इज सिंपल, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ट्रिकी टाइप दिया है, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है। सो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 2 भी किया है, चैप्टर नंबर 4 भी किया है, बस अब चैप्टर नंबर 1 बाकी है जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और चैप्टर नंबर 3 बाकी है जो हमारा फाइनल कंपनी अकाउंट है। वो थोड़ा वास्ट है, तो मुझे भी वक्त लगेगा वो प्रिपेयर करने के लिए, पीपीटी प्रिपेयर करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, बट श्योरली वो भी वीडियोस में लेकर आऊंगी। सो तब तक के लिए ये आप करो, मैं कोशिश करूंगी कि चैप्टर 1 एटलीस्ट अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा इजी है, तो वो पहले मैं लेकर आऊँ। डोंट वरी, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करूँ। Okay, so thank you so much. Have a nice day. Bye-bye.